हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो जी, ये ट्रू बैलेंस की रिकवरी कर रहे हैं बंदे, और इन्होंने क्या गलती कर दी कि अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर दी है। तो पहले इसमें है ना, तीन रिकॉर्डिंग मैंने मर्ज की हुई हैं। पहले ये क्या कर रहे हैं कि धमका रहे हैं कस्टमर को, तो तड़ाक से बात कर रहे हैं। और सेकंड में क्या है कि हमारे व्यूवर जो हैं, हमने छोटा मोटा ग्रुप बना रखा है, उसमें हम शेयर कर देते हैं, तो वो उन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है कि मैंने ये बात की है। थर्ड में एक बंदा उसका भाई बन के बात कर रहा है कि जी ये नंबर उसके पापा के नाम से है और ये नंबर आप डिलीट कर दो, इस पर कॉल मत कराओ, लड़का बड़ी टेंशन में है, खाना नहीं खा रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मतलब पहले तो टॉर्चर करते हैं, फिर पर्सनल ब्लैकमेल भी करते हैं, जी हटा दो, मतलब इनका गलती से नंबर आ गया हमारे पास पर्सनल, तो मैं फिर भी नंबर डाल रहा हूँ और इनको दोस्तों बजाओ, क्योंकि ये क्या है, किसी के बहन के लोड़े ये नहीं देखते हैं कि किसी की कोई दिक्कत है या कुछ है, और खुला ब्लैकमेल करते हैं खुला। मैं कल कोशिश करूँगा इससे बात करने की, गुड़गांव की एजेंसी बता रहा है, तो अगर ये एजेंसी बता देगा ना हमें एड्रेस बता देगा, तो एजेंसी में जाके बात करेंगे ट्रू बैलेंस के टीम लीडर से या फिर मैनेजर से, और ये नंबर हम हटा देंगे, क्योंकि हमारी जो फाइट है वो ट्रू बैलेंस से है, या जो NBFC कंपनी होती है जो टॉर्चर करती है उनसे, हमें पर्टिकुलर किसी बंदे से कोई मतलब नहीं है। आप बंदे को ये अलाउ क्यों कर रहे हो कि वो कस्टमर से तू तड़ाक करके बात करे, तू करके बात करे। तो दोस्तों, मैं नंबर दूंगा, आप प्लीज़ इसको बजाएं, अगर वो एजेंसी की डिटेल दे देगा तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे। ऐसा पहले भी हुआ था हमारे साथ मूवी, क्योंकि हमने एक नंबर डाला था, उसने पर्सनल नंबर से हमें कॉल कर दी थी, तो वो लेडी पहले तो हाँ मैं नंबर दे दूँगी, कल आपको एड्रेस दे दूँगी, सीनियर से बात करा दूँगी, और वो होता क्या है कि सीनियर कभी भी नहीं बोलेगा जी आप है ना मेरी एजेंसी का एड्रेस दे दो या मेरा नाम बता दो, मेरा मोबाइल नंबर बता दो, क्योंकि उसे कंपनी थोड़ा ना बंद करानी है, आपका पर्सनल नंबर जाए तेल लगाने। तो दोस्तों, पूरी रिकॉर्डिंग सुनना, पहले वो कस्टमर हमें थ्रेट्स दे रहा है, सेकंड में हमारा व्यूवर उसको चमका रहा है, थर्ड में वो हमसे एक तरीके से अपोलॉजीज कर रहा है कि मेरा नंबर गलती से हमने तुम्हें ये कर दी कॉल। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग बहुत मज़ेदार है, पूरी सुनना। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये बंदा इतना डरा रहा है, इसका इसको रोटी नहीं खा रहा यार भाई, कह रहा मेरे पापा का नंबर है, इसके तब नंबर लिख रहेगा नहीं अठारह साल। Dear customer, this call is being recorded for quality and training purposes. Hello. नमस्कार सर, कल्पेश जी। नमस्कार सर, ट्रू बैलेंस से बात कर रहा हूँ, आपने हुआ कुछ सर सोचा अभी तक पेमेंट के लिए है कि अभी नहीं? नहीं, अभी अरेंज नहीं हुआ है भैया जी, अभी अरेंज नहीं हुआ सर। तब तक अरेंज हो जाएगा सर, मैं आपका काम भी कराना चाह रहा हूँ, आप तब भी अरेंज ना कर पा रहे हो अभी तक। नहीं हो पा रहा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका क्या जवाब दूं मैं, बताओ, आप जो बोलो वो जवाब दे देता हूँ। अरे हम क्या जवाब देने को बताएंगे सर, क्यों नहीं हो पा रहे तो बता सकते हो, क्यों नहीं हो पा रहे तो बता सकते हो, हम जवाब देने को बताएंगे। क्यों नहीं होता है जनरली, क्या क्यों नहीं होता है सर, आपने यही चीज 11 को भी बोल रखी थी। भैया जोर से बोलोगे, सुनो मेरी बात, जोर से बोलोगे टट्टी आपकी निकल जाएगी, और अगर मैं जोर से बोलने पे आ गया ना तो भी आपकी टट्टी निकल जाएगी, ठीक है सर। वो बात आपने 11 को भी यही बोल रखा था कि आप पेमेंट कर दोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जोर से बोलोगे तो आपकी टट्टी निकल जाएगी, और मैं जोर से बोलने पे आऊंगा ना तो भी आपकी टट्टी निकल जाएगी, ठीक है। ये आप बहुत गलत बोले सर, मैं क्या कह रहा हूँ, जोर से बोलोगे टट्टी निकल जाएगी आपकी, और मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा जोर से, थोड़ा थका हुआ हूँ। जोर से चिल्ला नहीं रहा हूँ सर किसी की, आप उल्टा बोल रहे हो खुद ही भैया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया अरेंज नहीं हो पाया, उधर हो गई है बात खत्म, ठीक है। कैसे खत्म हो गया, अरेंज कर पाया लोन की था भैया, मैं आपको क्या बोला, अगर मैं जोर से बोलूंगा ना तो आपकी टट्टी निकल जाएगी, और आप जोर से बोलोगे तो आपकी भी टट्टी निकल जाएगी। अरे सर, जो आप कह रहे हो ना लोन क्यों लिया था फिर आपने, हाँ आपने लोन क्यों लिया था जब भरना नहीं था। देखो अभी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, रख दो फोन, ठीक है। आप उल्टा सीधा निकालो, क्या निकालोगे बोलो, मेरे को भी आता है उल्टा सीधा, ठीक है। अच्छा
क्या अच्छा अच्छा देखा नहीं कभी? ठीक है चलो आरटीपी अभी आरटीपी दे दो, आरटीपी दे दो। ठीक है सुन, धमकी किसे दे रहा है तू? अबे चूतिए, तू क्या होता है गांडू? माँ की चूत तेरी बहन चूत। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, सबसे संभल के बोल रहा हूँ तेरे को, धीरे धीरे बोल रहे, टट्टी निकल जाएगी साले बहन चूत, अभी निकाल दूंगा तेरी टट्टी में। जानता है किससे बात कर रहा है? अपने बाप से। चूतिए हेलो। हाँ बोल सर जी, क्यों बात कर रहे हो, पेमेंट कर दो। अरे चूतिए तेरी एम्प्लॉय आईडी भेज मेरे को अभी, तू तू करके क्या होता है? क्या बोल रहे हो? तेरी गांड में ताकत है तो एम्प्लॉय आईडी भेज मेरे को। अपनी आईडी? हाँ। अरे सर जी, जानते हैं किससे, जानते हैं किससे बात कर रहा है? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? बताओ, तू तो नाजा जोला दे पाकिस्तान की, तू तो नाजा जोला दे पाकिस्तान की। तू जानता है किससे बात कर रहा है? अच्छा ठीक है चल, बात कर रहा है चल, जान लेते एक दूसरे को, जान लेते एक दूसरे को, तेरा एम्प्लॉय आईडी भेज, जान लेते अपन। तू किससे बात कर रहा है? ले बता, जान ले एक दूसरे को, जान लेते एम्प्लॉय आईडी भेज बता अपन। आई एम सॉरी, दैट्स नॉट अ वैलिड एक्सटेंशन, प्लीज ट्राई अगेन। नहीं यार बोल तो सर, मंदिर के बाहर जाके भीख मांग लो, पैसे हो जाएंगे। किसके लिए? मैं तो फोन चला रहा हूं ना, इसे देख दो। भीख तो कोई भी दे देगा, एक एक रुपया छोड़ ना बहुत हो जाएगी। अभी ये जो तू फोन पे बकचोदी कर रहा है ना, एक बार गांड में ताकत है तो एम्प्लॉय आईडी भेज दे अपनी, ठीक है? मेरे में ताकत नहीं फोन पे बात करने की। अरे सुन, रिकॉर्डिंग तू भी कर ले, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं तो कर ली, कर ली तो। अरे रिकॉर्डिंग से क्या, रिकॉर्डिंग से क्या कर रहा है? मैं तो क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी भेज दे तेरी, तेरी एम्प्लॉय आईडी भेज दे, आधार कार्ड की, तेरी गांड में ताकत दिखा दे। जानने की बात कर रहा है ना तू? मेरे को जानता है, मेरे को नहीं जानता। मेरा 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 आधार कार्ड वगैरह सब है ना तेरे पास, तेरा भेज दे। चल देख लेते एक दूसरे को, जान लेते एक दूसरे को। कैसे भरने की औकात नहीं है? बकवास। औकात है तो अपनी बहन की शादी करवाएगा, मेरी औकात देख के। अपनी बहन भी आएगा मेरे से, मेरी औकात देख के अपनी बहन भी आएगा, अपनी बहन चुदाएगा मेरे से, मेरी औकात देख के अपनी बहन चुदाएगा तू, मेरी औकात देख के अपनी बहन चुदवाएगा। तेरी बहन नहीं चुदवाएगा? अरे बहन चुदवाएगा अपनी, क्या मेरी औकात देख के? अरे तेरी बहन चुदवाएगा क्या, अपनी बहन भी आएगा क्या मेरे से, मेरी। हेलो हेलो, हाँ जी सर, ये ट्रू बैलेंस बोल रहे हो? जी सर, मैं तो ट्रू बैलेंस ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को मतलब क्या कर रहे हो, गाली दे रहे हो, क्या है ये तमाशा तुम्हारा? क्या मैंने, मैंने गाली ना दी सर, मैंने ना दी। अगर सर मुझे गाली देनी होती किसी ट्रू बैलेंस, ठीक है सर, कस्टमर को, ठीक है सर, तो मैं अपना पर्सनल नंबर उसे देता सर, आप खुद बताइए। पर्सनल नंबर तो ये तो भाई पर्सनल यूट्यूब पर डाला पड़ा है, उसे उठाया मैंने नंबर जी, ये यूट्यूब पर डाला, उसमें गाली दे नहीं रहा है, सूचिए बुते बोल रहा है यार, तू बोला ही नहीं, गाली दिया सर, मैंने ना दिया सर, और कस्टमर से बात होती रहती सर, इस नंबर, और सर किस नंबर पे गाली दी गई है बताया उन्होंने? नंबर पर्सनल ये नंबर है, दूसरे नंबर से 8527033667 से गाली दी गई है सर। तो ये गाली सर, जिसने गाली दी सर, ये कंपनी का नंबर है, डायलर पे चलता है, ठीक है सर। गाली तो आप, आपकी आवाज लग रही है, मैं भी रिकॉर्डिंग सुना रही सर, मैंने ना दी गाली सर, मैंने उनसे यही बात की थी सर, आप पेमेंट कब करोगे सर, आपने डेट दे रखी थी बस, और गाली मैंने दी सर, सर ये कॉल चेंज होती रहती है। अच्छा, हो कहाँ से, मतलब कौन सी एजेंसी से हो सर? हम तो बात कर रहे हैं यहाँ से सर, क्या नाम, गुड़गांव से। गुड़गांव से? ये तो ये यूपी ईस्ट का नंबर लग रहा है जी, ये नंबर आपका जो पर्सनल है यूपी ईस्ट का है ना जी सर? हम तो यूपी से सर, लेकिन हमने सर गाली ना दी, कसम से सर, हमारा नंबर क्यों डाल रहा है सर? आप यूपी ईस्ट से कहाँ से हो आप सर? हम उधर तो सर वहाँ के हैं, कानपुर साइड के, कानपुर को है जी। बोले जो कल्पेश सर है उनको लाइन पे लो, कल्पेश सर, हाँ उनको लाइन पे लो आप, इसी नंबर से लगाओ। सर हमने गाली ना दी सर, हम कैसे क्यों करें सर, हमें हमारी नौकरी सर दिक्कत पड़ जाएगी हमें। पहले तू लाइन पे ले ले भाई, मेरे लाइन पे ले ले, पता नहीं मैं कौन हूँ, आपको एक बार लाइन पे लेना, उसको लाइन पे लगा मेरे कॉल, एक मिनट सर।
एक मिनट से रुकिए, लाइन पे ले रहा हूँ। हाँ लो लाइन पर। एक मिनट सर, मैं कॉल करता हूँ आपको। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी भैया, मैं ललित बोल रहा हूँ। ललित कौन? भैया हमारे नंबर से कॉल करी आपको। आपके नंबर से कॉल करी मतलब? ट्रू बैलेंस की आपसे किसी ने आपसे बात करी थी, मेरे मेरा भाई है छोटा। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। इसके नंबर से भाई किसी ने कॉल करी, और अभी ये पता है एक्चुअली क्या है, ये बंदा जो है ना हमारा भाई जो छोटा बड़ा 18 साल एज है, और हाँ। ये इसने अभी नई, अभी भाई देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसने अभी नई ज्वाइनिंग करी है अभी, हाँ, ठीक तीन है। चार दिन हुए। और भाई इसको पता नहीं थी कि मैं ऐसे, मतलब इसने उससे फोन मांगा, नया बच्चा है भाई कोई मांग रहा है सीनियर इसका, इसने फोन दे दिया उसको भाई, उसने गाली दे दी भाई, उसने गाली दे दी यार, इसमें इसका क्या कसूर है भाई? अच्छा, तो वो बंदा जिसने गाली दी थी ना, उसका मेरे को नंबर सेंड करो ना, आप ये मैं नंबर हटवा देता हूँ, है ना? भाई देखो यार, मैं मेरी कंपनी देख भाई, मैं नया ज्वाइन किया है, इस बच्चे ने अगर उसका नंबर दे भी रहा है ना, तो भाई हाँ। तू बहुत बड़ी इसकी नौकरी चली जाएगी यार भाई, सुन चुपके से, यार चुपके से दे दो ना, क्या पता चलेगा भाई, भाई चुपके से दे दो, बाद में रात को आराम से मेरे को मैसेज कर देना, टेक्स्ट डाल देना, उसका इनका नंबर हटवा के वो नंबर डाल दूंगा मैं, है ना? भाई देखो कसम से मैं तुम्हें एक बार बता रहा हूँ, नहीं तो अभी इसको किसी के ज्यादा नॉलेज वहाँ पे, अभी 3 ही दिन हुए कसम से, ट्रेनिंग पे है बंदा, 4 से 3 हुए इसको, नहीं तो उसका नंबर पता, अगर नंबर पता होता ये दे देता कन्फर्म। अभी यार भाई तुम मेरा विश्वास नहीं करो, घर में प्रॉब्लम है तभी इसको जॉब करा रहे हैं, और तुम भाई यार देखो छोड़ दो गाली, मेरे को दे लो आप 4 गाली, मैं सुन। नहीं 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 वो देखो गाली एक अलग मैटर है, अगर वो तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे अवनीश, अवनीश भाई। हाँ ये अवनीश भाई की तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, देखो हम लोग है कस्टमर, ठीक है, मैं हूँ कस्टमर, ठीक है, और अब आपने मेरे को नाम बता दिया या अवनीश भाई ने भी मेरे को नाम बता दिया, जो भी है, लेकिन क्या होता है हम लोगों को पेमेंट करनी है ट्रू बैलेंस की, ठीक है, और ये है मीडिएटर एजेंसी वाले, इनका काम है हमसे पेमेंट की बात करना कि कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमको किसी ने बदतमीजी की है मतलब वो ट्रू बैलेंस ने की है, हमको किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। क्या जानो आप तो ट्रू को जानो ना, मैं तो ट्रू बैलेंस की बात करूंगा ना। सही बात। हाँ तो अब जिस नंबर से कॉल आएगा उसी नंबर पे जो जाएगा ना, हाँ वो भी उसमें है। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग होता है कि भाई ट्रू बैलेंस से बोल रहा हूँ, बात तो वही है, ठीक हाँ, है। तो ना तो उन बंदों को हक है हमसे अब्यूज करने का, नहीं भाई आप नहीं। कस्टमर ने जो बता दिया, कस्टमर ने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, उसको रिपोर्ट डालनी, आगे बात हो जाती है खत्म। मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने थोड़ी जानकारी ली, इसने बताया कि अगर वो डायलर से गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा टीम का जो डायलर रहता है ना वो रिकॉर्डिंग रहता है, रिकॉर्डिंग में रहता है, उस बंदे ने क्या करा, तुम्हारा नंबर वहाँ से लेके डायलर से इसके फोन, अपने फोन में भी नहीं लिया, इतना चालाक बंदा था वो, इसके फोन में लेके गाली देनी शुरू कर दी आपको। नहीं 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 मैं क्या कह रहा हूँ, ये इसके फोन से मुझे गाली नहीं दी, खाली गाली तो कंपनी के नंबर से ही आई है। हाँ खाली ट्रू बैलेंस का तो एक ही ये नंबर था मेरे पास, बाकी उस पर फोन नहीं लगता है, नहीं तो मैं इनका नंबर कभी नहीं चढ़ाता, वहाँ पास फोन लगता ना तो मैं तो अपने आप उनकी माँ चाहता। अच्छा आप एक काम करो मेरे को, मैं इनका नंबर कल मैं आपको बता दूंगा, अगर कल कैसे तरीके से मैं नंबर निकलवा सकता हूँ तो कल बता दूंगा आपको, कल बता देना, नहीं तो आप एक काम करना, आपके नंबर से मेरे को एक व्हाट्सएप पे हाई करके कल भेज देना सुबह, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर आप मेरे को बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है सर? क्योंकि भाई ये तो नया ज्वाइन हुआ है, इसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आप इसके बड़े भाई हो? हाँ बड़ा भाई नहीं, मतलब ऐसे रूम पार्टनर रही। अच्छा 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 ओके ओके ठीक। और कहाँ पे आपकी एजेंसी, का एजेंसी कहाँ पे आपकी है? दिल्ली। दिल्ली में है, ठीक है ठीक है, चलो कोई कोई बात नहीं भैया। नहीं मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, ये जो दिल्ली हमारी जो एजेंसी है ना गुड़गांव में, वो पूरा दिल्ली से मिला हुआ है, तो इसका जो हम बोलते ना वो दिल्ली बताते हैं। अच्छा अच्छा वो तो ठीक है, दिल्ली साकेत कोर्ट है ना? हाँ साकेत कोर्ट में टिगड़ी है, टिगड़ी पता है? नहीं मैं मुझे कलेक्शन कहाँ पता है मुझे? हाँ ये जो टिगड़ी एरिया है साकेत कोर्ट, उधर मेरे भाई बंधु रहते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये बंदा इतना डरा रहा है, इसका इसको रोटी नहीं खा रहा यार भाई, कह रहा मेरे पापा का नंबर है, इसके तभी नंबर लिख रहेगा नहीं 18 साल, इसके आधार कार्ड। नहीं नहीं मैं वो बात कर ली है, अभी जिसको नंबर भेजे थे वो अभी जो अभी तो आपको प्रेमनाथ जी का ही फोन आया था, अभी जो इंदु युवा वाहिनी के सचिव है ना कल्लू भाई, जानते हो आप? हाँ, नहीं मैं तो नहीं जानता। हाँ हिंदू युवा वाहिनी जो बाबा योगीनाथ जी की पार्टी है,
हिंदू यवानी उनके सचिव है जो हमारे ग्रुप में है, उन्होंने अगर ये रिकॉर्डिंग सुनेगी ना, सुनेंगे ना वो, अभी उनको शायद अभी तक सुनी नहीं उन्होंने, और जब वो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो वो भी फोन करेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो मैं वो नंबर हटवा दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपसे मैं वो नंबर हटवा दूंगा, आप मेरे को कहीं से वो पता करके दे दो बस कल मॉर्निंग में, है ना। ओके बंदा चालाक है वो भाई, नहीं उसकी, उसकी 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 सारी चालाकी निकाल देंगे अपन, टेंशन मत लो आप, है ना। ओके सर, हाँ।